सवाल इस पे भी करूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बहुत बात कर रहे हैं, आपने भी कल हमारे प्रोग्राम में कहा, एक और भी कह रहे थे कि जनाब खान साहब खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं, तो इमरान खान तो नहीं है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। जो मेरे पास इतला थी, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे मैंने सुनी थी, उसके तहत मैंने ये कहा था अगर ये बात दुरुस्त नहीं है तो मैं इसको रिट्रैक्ट कर सकता हूँ। हाँ यानी मकसद वो नहीं, मकसद ये कि अगर वो सिग्नेटरी नहीं है तो फिर तो वो एथिकली भी बाउंड नहीं हुए ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं वैसे वैसे आपस की बात है, अगर वो सिग्नेटरी होते भी ना तो एथिकली वैथिकली तो उसमें वो बिलीव ही नहीं करते। अब वो बात और चली जाएगी, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप, लेकिन चलो वो बात कहीं और चली जाएगी, हम मौजूद चढ़ जाएंगे। मैं जरा क्विकली दो तीन और बातें बजाय इसके कि मैं सवाल करूं, आप ही बता दीजिए कि आप क्या तजवीज़ कर रहे हैं कि जो नई आईनी अदालत बने उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह हो। देखिए इसके अंदर थोड़ा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। मैं आई विल नॉट टेक मोर देन 60 seconds। अमरीका वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, बड़ा मुल्क है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तैनाती करते हैं अमेरिका का सदर जी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और वो जो जिस जज साहब को नॉमिनेट कर देते हैं उसको फिर कांग्रेस के सामने जाना पड़ता है, कांग्रेस उसका इंटरव्यू लेती है, उसके बाद उस नॉमिनेशन को या तो कंफर्म करती है या उसको रिजेक्ट करती है। ये तरीकेकार है एक एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड में। पाकिस्तान में प्रायर टू 18th अमेंडमेंट ये इख्तियारात एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थे और वो कंसल्ट करते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद जज साहिबान की तैनाती होती। जब 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी काम कर रही थी तो पीपल्स पार्टी ने एक मिक्स एंड मैच करने की कोशिश की, जैसे अमेरिका में हो रहा था कि एक जुडिशियल कमीशन हो गया और एक पार्लियामानी कमीशन। जज साहब ने कहा नो ऐसे करो। इफ्तिखार चौधरी, ये दिस इज हाउ द ज्यूरिसप्रूडेंस वाज इंटरफेयर्ड विद। इफ्तिखार चौधरी साहब ने नहीं कहा, एक केस फाइल कराया गया, मुनीर भट्टी केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि 19वीं आईनी तरमीम करनी पड़ी और वो पार्लियामानी कमीशन हो गया टूथलेस। अब सारी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कौन करता है? चीफ जस्टिस साहब करते हैं। कोई पार्लियामानी कमीशन का रुकन, सॉरी जुडिशियल कमीशन का रुकन, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल, चाहे पाकिस्तान बार काउंसिल का रुकन हो, वो नॉमिनेट नहीं कर सकता, किसी का नाम प्रपोज नहीं कर सकता। तो हमने, हमारा ये मानना है कि एक बैलेंस क्रिएट करें, एक ऐसा कमीशन बनाए जिसके अंदर जज साहिबान की मेजॉरिटी हो, सबसे बड़ा नंबर जज साहिबान हो, सिटिंग जज रेलेवेंट कोर्ट ऑफ द रेलेवेंट कोर्ट नंबर वन, हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर कानून हो, अटॉर्नी जनरल हो, बार एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान बार काउंसिल का, अगर सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट है तो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा हो, और अगर हाईकोर्ट की नुमाइंदगी है तो हाईकोर्ट जो प्रोविंशियल बार काउंसिल उसका नुमाइंदा हो। उसके बाद चार पार्लियामेंटेरियंस हो, हुकूमत के नहीं, दो ट्रेजरी के, दो अपोजिशन के, यानी के मजॉरिटी ना हुकूमत के पास हो, मजॉरिटी ना वकला साहिबान के पास हो, एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो, और वो इंडिपेंडेंट कमीशन सूटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढे जिनकी इंटेग्रिटी अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छी हो, कैलिबर हो, तो तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, वो फैसला करें, वो फाइनल कर लें। इसमें अगर एतराज़ है कि पार्लियामेंटेरियंस को नहीं होना चाहिए तो मैं समझता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इस बात को मायूब समझता हूँ कि जब तक इदारे आपस में इंगेज नहीं करेंगे, डिलिब्रेट नहीं करेंगे, मामलात आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें कोई खामी है, अगर आप कह रहे हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटा के या किसी जज साहब को हटा के किसी मेयर को शामिल किया जा रहा है, किसी MPA को शामिल किया जा रहा है उनको रिप्लेस करके, तो ये बात गलत होगी। लेकिन अगर उनकी सबसे बड़ा नंबर जो है ना, गालिबन जो उस प्रपोजल में भी है, 6 जज साहिबान है, अक्सर इतने वही होंगे। टूवर्ड्स दी एंड एक दो बातें और भी, यानी आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगला जज जो है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि पैनल से होना चाहिए पूरे तरीकेकार से गुजरने के बाद। इसमें दो राय है, एक राय है पीपल्स पार्टी क्या राय है? देखिए पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्लियर है आप, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए कि यही सुप्रीम कोर्ट ने भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर सीनियर मोस्ट जज को लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया, नंबर 3 को लेके गए। अगेन एलिवेशन टू सुप्रीम कोर्ट, जब वो हाईकोर्ट से लोगों को एलिवेट कर रहे थे तो सिंध हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट 3-4 जजेस को बार बार बाईपास करके जूनियर जजेस को ले जाया गया। तो ये चीज भी हमें समझनी चाहिए, बट आपकी पोजीशन ये है कि सीनियर मोस्ट को ही आना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, बट इस पर कोई भी बैलेंस, मतलब डिलिबरेट करके जो बेस्ट सोल्यूशन है उस पर हम आगे जा सकते हैं। आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस लगना चाहिए सदर पाकिस्तान नोटिफाई करें वजीर आजम की एडवाइस पे जी, क्योंकि इसका और कोई तरीका आपके पास नहीं है। अच्छा, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है, सर्विंग जज भी हो सकता है, रिटायर्ड जज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, एनीवन, मैं भी हो सकता हूं ऐसे। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सर्विंग रिटायर्ड जज नहीं, उसके अंदर वकील की कैटेगरी भी है। अच्छा, तो 40 साल से जो बड़ी उम्र का होगा वो हो सकता है। आप बन ही ना जाइएगा, मैं 40 साल का तो हो गया हूँ।
और फाइज ईसा साहब भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पे, कोई सकता है। देखिए फाइज ईसा साहब भी हो सकते हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हो सकते हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हो सकते हैं, साकिब निसार साहब भी हो सकते हैं, गुलजार साहब भी हो सकते हैं, यू नेम इट। मतलब ये जो बार बार फिक्सेट किया हुआ है ना कि ये तरमीम जो है पर्सन स्पेसिफिक है, ये एक्सटेंशन नहीं हो रही है। अगर एक्सटेंशन होती ना तो आप कहते हैं हाँ यार ये काम जो है ना फला बंदे के लिए किया जा रहा है, तो ये किस कोई इसमें कोई भी इसमें आ सकता है। अच्छा तो अब ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप जी ने तो बताइए कि वो बिलावल साहब भी आज कह रहे थे कि अगर कामरान मुर्तजा साहब मुर्तजा वहाब साहब का फ़ोन उठा रहे थे तो इतनी वो ही ना होती, तो आज आप दिन भर फ़ोन करते रहे उन्होंने। मैं कल की गुफ्तगू के बाद जब कॉल बैक भी नहीं आया तो मैं समझता हूँ फिर इंसान को समझ जाना चाहिए। कामरान साहब ने मुझे अभी तक कॉल बैक नहीं किया, पता नहीं मुझसे क्यों नाराज है वो। तो आप कॉल कर लें नाराजगी दूर करने। मैं कितनी कॉलें करूँ मुझे बताइए, कितनी की हैं आपने? मैं आपको फोन देता हूँ आप देख लीजिएगा। मैं वैसे आप कॉल करने के बाद मैसेज भी किया है कि अगर खुदा ना खासा उनका नंबर मेरा नंबर उनसे डिलीट हो गया हो तो मैं लिख दूं उनको कि मैसेज डिलीवर हुआ कि ब्लॉक ना कर दिया। डिलीवर भी हुआ है। अच्छा यानी उनकी लोकेशन तो नोन है ना यार, वो टीवी पे है। बल्कि अभी सवादत में तो एयरवे पे थे, उससे पहले जावेद चौधरी साहब के पास थे। मैं आज बिलावल साहब को काशिफ के प्रोग्राम में देख रहा था, बिलावल साहब ने कहा ना कि वो टीवी के लिए टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए नहीं निकाल रहे, तो ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई है? मुझे नहीं पता वल्लाह आलम। आपको तश्वीश है इस बात में? किस बात पे तश्वीश? कि कामरान साहब टीवी पे आ रहे हैं आपसे बात नहीं कर कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कामरान साहब को कॉल बैक करनी चाहिए थी, और अगर उनका कोई एतराज़ है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें वो समझते हैं कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते, तो वो फ़ोन पर कन्वे करते हैं, मैसेज करके कन्वे करते हैं यार मुर्तज़ा मेरी मजबूरी है मैं नहीं कर सकता। हाँ अच्छा नाराज हो गए शायद किसी, मुझे नहीं पता। देखिए मैं तो कहना अगर कोई मजबूरी है तो बता दें वो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आपने आज भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है? मैं अभी भी कहता हूँ आप इसके जो नुकात है ना उसके ऊपर बात करें कि इस बिल के अंदर किस किस तरीके से इसलाह हो सकती है, चीजों को बेहतर किया जा सकता है। देखिए एक एक इसके अंदर अमेंडमेंट डाली गई है, एक सिर्फ लास्ट आर्टिकल 199 के तहत सुओ मोटो। हाँ जी हाँ जी, वो नहीं हाई कोर्ट नहीं ले सकता, नहीं ले सकता है। हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने हाई कोर्ट को रोक दिया, टूथलेस कर दिया, जा एक इख्तियार ले लिया। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि सुओ मोटो लेने का इख्तियार जो है ना वो हाई कोर्ट के पास है नहीं, और इंक्लूडिंग मौजूदा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनके फैसले भी हैं, मोहम्मद अली मदर साहब के फैसले भी हैं, साकिब निसार साहब के फैसले भी हैं, इज्जत माब हजरत इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के भी फैसले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को ओपन माइंड के साथ सोचने की ज़रूरत है, हमें फैसला ये करने की ज़रूरत है क्या मौजूदा निज़ाम डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर निज़ाम डिलीवर कर रहा है तो हम उसकी तसीना करें, और अगर डिलीवर नहीं कर रहा तो मैं समझता हूँ किसी भी जी शऊर पार्लियामान को पार्लियामेंटेरियन को ये हक हासिल है कि आवाम के बेहतरीन मफाद में और सियासत के बेहतरीन मफाद में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। सही है, कामरान मुर्तजा साहब से रब्ता करिए भाई। हम जरा राशिद सुमरू साहब से पूछेंगे हम अगले सेगमेंट में कि भाईजान क्या है, खैर है जे यू आई फेक की तरफ सब खैर है कि नहीं, मैं पूछता हूँ। अब राशिद सुमरू साहब तो मौजूद नहीं थे, पता नहीं अब वो कौन सी कहानी नहीं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।